उत्तर प्रदेश में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के पाला बदलने के कयासों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही उनकी पार्टी है। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी, इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि वो बहू हैं और परिवार के सुख दुख में शामिल होती रही हैं। हालांकि उन्होंने अपर्णा के सपा में शामिल होने को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। क्या समाजवादी पार्टी में कोई पद मिला है? इस सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे भतीजे हैं और सपा प्रमुख हैं। मैंने उन्हें अपना नेता स्वीकारा है। मैं भी अखिलेश की तरह सपा का विधायक हूं। सपा मेरी पार्टी है और मैं पहले कई पदों पर रहा हूं। सपा नेता शिवपाल यादव ने बुधवार को बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और कहा कि सपा के कार्यकर्ता संघर्ष के रास्ते पर निकलेंगे और अब ये तय है कि लंका जलेगी। उन्होंने सपा को भगवान राम व कृष्ण का अनुयायी बताया। उन्होंने कहा, हम भगवान राम व कृष्ण को मानने वाले लोग हैं तथा उनके विचारों पर चलने वाले हैं। सपा के लोग संघर्ष के पथ पर निकलेंगे तथा निश्चित है कि अब लंका जलेगी। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में क्या यूपी में भी विपक्षी दलों का मोर्चा तैयार होगा? इस सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अकेले ही काफी है। शिवपाल ने कहा कि उनका मकसद और टारगेट 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाना है। वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल बल पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जो भी पार्टी में आना चाहे उसका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल न होकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा आयोजित विपक्षी दल की रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने पर शिवपाल ने कहा कि राहुल गांधी की अपनी अलग पार्टी है, उन्हें शुभकामनाएं। यात्रा में शामिल होने का फैसला पार्टी का नेतृत्व करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।